वैसे मधुबाला जैसे टपक रही है। तो पिघलन मधु भी टपकती हुई मधु की धारा से, उसमें मैंने इसके फूलों से जो मधु की धारा बह रही है भी उसमें इन पुष्पों के माध्यम से मानो ऐसा लगता है कि नेत्रई एवं उदस्रई, मानो इसके नेत्रों से भी आंसू अस्र, अस्र माने आंसू, आंसू जैसे बह रहे हो। तो मेरे दुख को देख करके ये भी, ये नागकेशर भी रो रहा है और इसमें से भी मधुधारा टपक रही है। ये कभी कभी ज्यादा सावधानी दिखाना और चतुराई दिखाना ये उल्टा और पकड़ने में आ जाता है। ललिता जी तुरंत पहचान गई कि श्याम सुंदर आप कहीं छल कर रहे हैं। दोबारा सुने, अगति मम निष्पशन, मेरी व्याकुलता को रात्रि में देख करके, अक्लाम्य माने नमुझाते हुए, नाग केशरोपी असकृत, ये नाग केशर भी अस्कृत माने अनेक बार न मुरझाते हुए, बिगलन मधु भी अपने कुसुमों से मधुधारा को बहाते हुए, मानो नेत्रई एवं अस्रई, नेत्रों से आंसुओं को बहाते हुए शोभित हो रहा है। उपमा अलंकार का प्रयोग है कि इससे मधुधारा वैसे ही बह रही है जैसे आंसुओं से आंसू बहते हैं, ऐसे आंसुओं को बहाते हुए यह नागकेशर सुशोभित हो रहा है। ललिता जी कह रही हैं, अहो धूतत्व, अरे धूतत्व, दो प्रकार के नायकों का जैसे निरूपण किया, एक दृष्ट और एक शक, तो यहां पर दृष्ट नायक वो है जो अपनी कमी को छुपाने के लिए कहीं कोई प्रमाण लेकर के साथ में आता है और उन प्रमाणों को दिखा करके अपनी कमी को छुपाने का प्रयत्न करता है। शक नायक वो है कि अपनी कमी सामने प्रकट हो जाने पर, मिलन के चिन्ह प्रकट हो जाने पर भी जिसमें जरा भी लज्जा नहीं हो, बेशरम बन करके जो खड़ा हो जाए, बिल्कुल निर्लज्ज होकर के जो खड़ा हो जाए और फिर भी क्या, नाना मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसा कहकर के जो अपनी कमी को दिखाई, उसका नाम है शतनायक। यहां पर श्री श्याम सुंदर का धूर्त नायक प्रकट हो रहा है। तो अपराधी जो नायक है उसके दो स्वरूप रसशास्त्र में वर्णन किए गए, एक धूर्त एक शक। यहां पर श्री श्याम सुंदर धूर्त नायक के रूप में अपनी गलती को छिपाने के लिए वो बात प्रमाण लेकर के आए, देखो मेरे पास में ये प्रमाण है, मेरे पास में ये प्रमाण, ऐसे कहकर के उन जो नागकेशर की मंजरियां हैं उन मंजरियों को दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण, श्री ललिता जी कह रही कि अहो धूर्तत्वम, इनकी धूर्तता देखो, यद बकुल वाचना केशरेण इदानी नागकेशरो विज्ञाप्यते। महाशय जी ने हमको संकेत दिया था बकुल या केशर कुंज में आने का, बकुल और केशर ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो हमको जो आदेश दिया था वो इन्होंने बकुल कुंज में आने का आदेश प्रदान किया था। अब बकुल का ना भी एक नाम है केशर, सो उस केशर में तो आए नहीं और अब केशर के स्थान पर नाग केशर को दिखा रहे हैं। नागकेशर में आने की बात ही कब थी, हमारी जो बात हुई थी, जो संकेत हुआ था वो संकेत कुंज तो बकुल कुंज में, केशर कुंज में आने को हुआ था, नागकेशर में थोड़ी हुआ है, परंतु तुम नागकेशर को क्यों दिखा रहे हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी एक शब्द का प्रयोग होता है प्रयत्न लाघव, माने किसी बात को सरलता से कम मेहनत में प्रस्तुत करना, उसका नाम है प्रयत्न लाघव। तो ये प्रयत्न लाघव भाषा विज्ञान में बहुत प्रयोग होता है, भाषा विज्ञान में प्रयत्न लाघव के द्वारा भाषा के विकास में बहुत सुविधाएं मिल जाती है। जैसे सत्यभामा को केवल भामा कहकर के संबोधित कर दिया जाए, जैसे दाशरथी राम को केवल राम कहकर के संबोधित कर दिया जाए, तो पूरा नाम न लेकर के आधा नाम ले लिया जाए, उसको कहते हैं कहीं प्रयत्न का लाघव, प्रयत्न लाघव।
तो मैंने तो प्रयत्न लागम में केशर कहा था, नाम तो उसका पूरा नाकेशर है, तो हमारी बात तो नाकेशर की हुई है। प्रयत्न लागम में तुम भले ही उसको केशर केशर समझ रहे हो, पर ऐसा तो हो ही जाता है। प्रयत्न लागम में बड़ा जो नाम है उसको, किसी का बड़ा नाम है तो वो छोटा नाम घर में जैसे बुलाने में स्नेह में निक नेम अलग से प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसे ही हमने तो उसका प्रयोग कर दिया है। जैसे भीमसेन को केवल भीम कह दिया जाए, सत्यभामा को केवल भामा कह दिया जाए, ऐसे नागकेशर को हमने केशर कहा था, हमारी बात तो नागकेशर की हुई थी, इसलिए मैं तो नागकेशर पुण्य में रात भर प्रतीक्षा करता रहा, जबकि विराजमान हुए हैं श्री चंद्रावली जी के साथ में रात भर। ये कहीं वो जागरण व्रत जिन्होंने जो किया है वो चंद्रावली जी के साथ में किया है, वो कह रहे हैं मैं आपके वियोग में रात भर वो जागरण व्रत करते हुए रथ जगा करते हुए रात भर विराजमान रहा और व्याकुल हो रहा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ललते विश्राम्य तो तमेम शब्दार्थ से अन्यथा कल्पने वचन चंचुता, तू तो शब्दों के अर्थ को बदल करके अन्य अर्थ में उनको लगाने में बड़ी चंचु बड़ी कुशल होकर के विराजमान है, अपनी इस शब्द की कुशलता को रहने दे रहने दे। शब्दार्थ से अन्यथा कल्पने, शब्द का जो अर्थ है उससे दूसरा अर्थ निकालना, इसमें तेरे वचन की जो चंचुता तेरे वचन की जो कुशलता है उस कुशलता को विश्राम तू रहने दे रहने दे। फिर कह रहे हैं अथवा कस्ते दोष, तेरा दोष काय का है, दुष्ट दोषा भी अपि गौरांगी भी सौरार्धम अभिलष्यता ममई वापराधम, गलती तो मेरी है, न जाने कितनी बार तुम सुंदरियों के दोष का मैंने दर्शन किया होगा, परंतु फिर भी तुम गौरांगियों के साथ में सौहार्द जोड़ बैठा हूं, क्या करूं, मुझे पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए था, परंतु अनेक अनेक बार दुष्ट दोषा भी अभी तुम्हारे न जाने कितनी बार दोषों का दर्शन किया है, परंतु फिर भी गौरांगी भी तुम गौरांगियों का रूप ही ऐसा है कि तुम्हारे साथ में सौहार्द अभिलष्यता, मैं सौहार्द चाहने लगता हूं, अतः सारा दोष मेरा ही है, तुम सुंदरियों का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। अथवा का कस्ते दोष है, तेरा क्या दोष है, ये बिल्कुल दुष्ट नायक एकदम कौन है, एकदम दुष्ट नायक प्रदर्शित हो रहा है, ये कैसे साम दाम दंड भेद किसी तरह से दूसरे को कैसे प्रभावित किया जाए और अपनी गलती कैसे दूसरे के ऊपर टाली जाए, ये एक राजनीतिज्ञ की जो कुशलता है कि अपनी त्रुटि दूसरे के ऊपर टाल देना, जैसे एक ब्यूरोक्रेसी की बड़ी भारी कुशलता होती है कि एक व्यक्ति अपनी त्रुटि को जैसे कहीं कार्य विधि की त्रुटि के ऊपर टाल देता है, मेरा नहीं है ये पीछे वाले की गलती है, अपनी गलती को दूसरे के ऊपर टाल देना और स्वयं बचकर के निकल जाना, तो ये एक राजनीतिज्ञ की जो कुशलता है उसी कुशलता को यहां पर प्रकट किया जा रहा है। सो कह रहे हैं कि तुम गोपियों का के साथ में तुम्हारे दोषों को देख करके भी तुम्हारे साथ में सौहार्द की कामना करना, ये मेरी ही मेरा ही अपराध है। विशाखा जी उस समय श्याम सुंदर से बोली, वो श्याम सुंदर रुको रुको रुको, जबरदस्ती हम सुंदरियों को दोष दे रहे हो, कखल गौरांगी नाम दृष्टा त्वया दोषा, इन सुंदरियों में तुमने क्या दोष देखा, हम में क्या दोष है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नव रस धारण मधुरे धरणी संताप हार विस्फुरण विदधति न कृष्ण मुदरे गौरह क्षण रोचसा स्थैर्यम्। बोले ये गोरी गण, गोरी कौन, बोले आकाश की जो बिजली है उसका नाम भी गोरी है, वो भी गोरे रंग की होती है, आकाश की बिजली विद्युत, क्षण रोचिशा, क्षण रोच माने चपला, जो चपला बिजली है
भी मेघ के साथ में स्थिरता धारण नहीं करती है, ऐसे तुम सुंदरी गण भी सदा सदा मुझे घनश्याम को सदा धोखा देती हुई अस्थिर होकर के ही विराजमान होती हो, कुछ देर के लिए मिलती हो और मिलने के बाद में जल्दी से मुझसे कहीं छुप करके और जाकर के अपने पतियों के दुर्ग में, अपने घर के दुर्ग में जाकर के किवाड़ बंद करके बैठ जाती हो, हमको बहका करके, हमको संकेत दे करके और जा जा करके हमको धोखा दे करके जा करके अपने पतियों के दुर्ग के भीतर जा करके तुम विराजमान हो जाती हो। तो जैसा बिजली का स्वभाव है ऐसा ही तुम सुंदरियों का भी स्वभाव है। विशाखा जी ने पूछा हमें क्या दोष है, बोले बता रहे हैं, बोले जितनी भी गोरी होती है सबका यही लक्षण है, उनका यही स्वभाव है। जैसे गौर्यः क्षण रोचिषः, गोरे रंग की क्षण रोचिषः माने चपलाएं बिजलियां नवरस धारिणी मेघ के साथ में प्रीति नहीं करती है। अब मेघ कैसा है, नवरस धारिणी, नो नए रस को धारण करने वाला। इसी प्रकार मैं भी कैसा हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं भी नित्य नए रस को धारण करने वाला, एक फिर सारे नौ रसों का मैं आश्रय हूं, अखिल रसामृत मूर्ति हूं, मल्ला नाम अश्नेर ये दिखाया नौ रस उनके आश्रय श्री कृष्ण है, सारे रसों के विषय श्री कृष्ण ही सारे रसों के विषय होकर के विराजमान। तो नवरस में सुंदर श्लेष अलंकार का प्रयोग, नवरस के द्वारा तीन अर्थ हुए, नव माने नया रस, नवरस माने श्रृंगार रूपी जो रस उसको ही नए नए रूप में प्रस्तुत करना, अथवा नौ रस उनको धारण करने वाला। शांतों पर नवमो रस, कहीं काव्य शास्त्र में निरूपण किया गया कि शांत रस भी नौवा रस है, इसलिए कहीं नवरस निरूपण किए गए शास्त्र में, भोजन शास्त्र में कहीं छह रसों का वर्णन आया, लवण खट्टा मीठा कसैला कड़वा तीखा, जो छह रस है वो षड्रस भोजन के विराजमान। किसी ने छह रस को नहीं माना, उनके स्थान पर आठ रस को माना, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत, इन आठ रसों को माना। श्री धने और धनंजय उनके आने पर एक नौवें रस को भी कहीं काव्य शास्त्र में मान लिया गया, आठ रस की जगह रसों की संख्या हो गई नौ। शांतों में नवमो रस, शांत भी नौवा रस है। जब विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण को प्रकट किया तो नौ रसों के स्थान पर दस रसों की स्थिति हो गई और उन्होंने वात्सल्य को भी एक रस मान लिया। श्री रूप गोस्वामी जी ने जब भक्ति सामर सिंधु को प्रकट किया तो उन्होंने दस रसों को भी हटा करके उनके स्थान पर बारह रसों का प्रयोग कर दिया, पांच मुख्य रस और सात गौण रस, ऐसे मिलाकर के बारह, पांच और सात बारह रस उनको मुख्य रस माना। शांत दास सख्य बात्सल्य और मधुर, ये पांच तो मुख्य रस हो गए, और हास्य वीर भयानक रौद्र विभत्स अद्भुत ये और करुण ये सात गौण रस, इन स्वार्थारति और पराथारति इन दोनों को मिलाकर के श्री रूप गोस्वामी जी ने बारह रसों का निरूपण कर दिया। यहां पर श्री कृष्ण उसी भाव को धारण करके कह रहे हैं कि नवरस धारिणी मुझ में नौ रसों की स्थापना की गई, नवरस धारिणी नौ रस, और नवरस कहने का तात्पर्य आठ रस तो श्री भरत मुनि ने काव्य शास्त्र में प्रकट किए नाट्य शास्त्र में, परंतु शांत को रस नहीं माना। एक काव्य शास्त्र में बड़ा भारी विवेचन रहा है कि शांत को रस नहीं माना गया, क्योंकि नाटक में चाहिए कहीं एक्शन, यदि नाटक में एक्शन नहीं है गति नहीं है
तो नाटक आकर्षक नहीं हो सकता है, वो रंगमंची नहीं हो सकता है। केवल उपदेश उपदेश होने पर रंगमंची नहीं रहेगा, बोरिंग हो जाएगा, श्रोता उठ उठ करके जाने लगेंगे। केवल उपदेश उपदेश हो, इसलिए नाटक में चाहिए एक्शन। और शांत रस में एक्शन होता नहीं है, शांत रस में तो जितनी भी चेष्टा है उनका त्याग होता है। ऐसी स्थिति में शांत रस को नाटक के उपयुक्त नहीं माना गया। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों का ही वर्णन किया। परंतु जब धनिक और धनंजय ये दोनों महापुरुष आए तो इन्होंने कहा, और उधर श्री अभिनव गुप्त उन्होंने जब कहीं ध्वन्यालोक का विस्तार किया तो अभिनव गुप्त ने विशेष रूप से इस बात की स्थापना की कि शांतो नवमो रसा, शांत भी नौवा रस है। उसी को ग्रहण कर कह रहे हैं कि नवरस धारण मधुरे, मैं 9 रसों का आश्रय होकर विषय होकर के विराजमान हूं, 9 रसों का मैं विषय हूं। मैं कैसा हूं? मधुर। बादल भी कैसा होता है? नवरस माने नए रस को धारण करने वाला और मधुर होता है, और मैं भी 9 रसों को धारण करने वाला परम मधुर हूं। बादल भी कैसा होता है? बोले धरणी संताप हार विस्फुर्मणे, पृथ्वी के संताप को हरण करने के लिए जिसका विस्फोरण माने गर्जन होता है, और मेरा भी पृथ्वी के ऊपर जो विस्फोरण हुआ है, पृथ्वी के ऊपर मेरा भी जो अवतार, वो भी पृथ्वी के संताप को दूर करने वाला हो गया। अपने आप की बादल के साथ में तुलना दे रहे, तो विधलते न कृष्ण मुदिरे, ऐसा मैं कृष्ण रूपी मुदिर माने मैं हूं। परंतु ऐसे मेघ के प्रति भी जैसे बिजलियां बादल के साथ में स्थिर नहीं रहती, ऐसे तुम गोपिका गण भी चंचल प्रीति होकर के मुझे उत्तंकित करके, मुझे अपने प्रेम से वशीभूत करके, बहका करके, मैं तो अभिशाप करके नुकुंज में बैठा रहता हूं, और तुम मुझे यहां पर बैठा करके मुझे धोखा दे करके अपने घर के दुर्ग में पतियों के द्वारा रक्षित किले के भीतर जाकर के सुरक्षित बैठ जाती हो, फिर तुम्हारी हवा भी नहीं दिखती है, छाया भी नहीं दिखती। सो गौरी क्षण रोचिशा स्थैर्यम, जो गौरी गण है वो क्षण रोचिश माने चपला होकर के स्थैर्य धारण नहीं करती है। विशाखा जी कह रही है कि तस्मिन पुलिस कूट कठोरे चेष्ट तो तासाम कोमला नाम युक्ता एव तथा प्रवृत्ति ही। बोले ठीक है, जो बिजलियां चली जाती हैं उनका भी अपना एक तर्क है, बिजलियों का चला जाना सबसे ज्यादा उचित ही है। क्यों? बोले तस्मिन पुलिस कूट कठोर चेष्ट थे, बादल में पुलिस कूट, पुलिस माने बच्चे बच्चन के समान चेष्टा होती है, अर्थात बादल विनाशकारक भी तो होता है, वो बच्चन को फेंक करके कहीं विनाश भी तो करता है। तो जो कठिन पुलिस माने बच्चन से युक्त चेष्टा वाला है, ऐसे उस कठिन चेष्टा वाले मेघ के प्रति कोमल बिजलियों का इस प्रकार चंचल होकर के दूर हट जाना, ये सर्वथा उचित है। तो बिजलियां जो बादल से दूर हो जाती है उचित ही है, क्योंकि बादल का स्वभाव कठोर है, वो पुलिस का वज्र का प्रयोग करने वाला है। श्री अब ये पता नहीं तो स्वयं वज्र कौन है, वो वज्र पुलिस के रूप में स्वयं ही तो हो गई, वज्र के रूप में जो बिजली है उसका ही तो वज्र बना करके मेघ प्रयुक्त करता है। परंतु श्री विशाखा जी कहिए नहीं नहीं, बादल का स्वभाव बड़ा कठोर है, बड़ी जोर से गरजता है, इसलिए बिजलियां उसका त्याग करके चली जाती हैं। तो बिजलियों की कोमल स्वभाव वाली होने के कारण तथा प्रवृत्ति युक्ता, वैसी प्रवृत्ति होना उपयुक्त ही है। श्री ललता जी कह रही है, बोले विशाखे सुन, चंपक लतां स्निग्धां नव कांचन कांति कुसुम गौरांगी
त्यक्त्वा धावति चपलः भ्रमरः चपला एव श्यामला भवन्ति। बोले अभी सखे देख देख चंपक लताम स्निग्धाम, सामने कैसी सुंदर स्निग्ध कोमल चंपे की लता थी, पर उस चंपक लता को छोड़ करके नव कांचन कांत कुसुम गौरांगी जो नए कांचन के समान कांति वाली गौरांगी थी, ऐसी उस स्निग्ध चंपक लता को छोड़ करके त्यक्त्वा धावते भ्रमरः, भ्रमर जाने कहां कहां किन किन लताओं की ओर भाग जाता है। नव कांचन की नव स्वर्ण की कांति को जिसने धारण कर रखा है, ऐसी गौर अंग वाली चंपे की लता का त्याग करके इस भोरे को देख कि यह भ्रमर चंपक लता का त्याग करके न जाने कहां चला जाता है, किन किन कलियों के ऊपर किन किन लताओं की ओर ये दौड़ता है। चपलायन श्यामला भवंती, अरे सखी बस ये समझ ले कि जितने भी काले होते हैं सब चपल होते हैं, चपलायन श्यामला भवंती, जितने भी श्यामल हैं वे सब के सब चपल ही होते हैं, इसलिए इन चपलों के साथ में ज्यादा प्रीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे ललता जी ने जिस समय कहा दवा सुन ले कि स्निग्धाम माने प्रेम करने वाली नव कांचन कांति कुसुम, जिसके फूल नए स्वर्ण की कांति वाले हैं, और गौरांगी जो गौर अंग वाली है, ऐसी चंपक लता चंपे की लता का त्याग करके भ्रमरः त्यक्त्वा धावति मुख, ये भोरा उस चंपक लता का त्याग करके न जाने कहां डोलता रहता है। यहां संकेत जो है वो ये कि हमारी सखी श्री राधिका को संकेत दे करके ये श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी की कुंजी में तो आए नहीं, और चंदावली जी की कुंजी के साथ में ये नव केशर कुंज में जाकर के विलास कर रहे हैं, तो ये चंचल है। अतः सखी एक निष्कर्ष हुआ कि जितने भी कार्य वे सब चंचल, इतना जनरलाइजेशन करना एक बड़ी अद्भुत बात हो गई। तो चपला एक श्यामला भवंती, सारे सांवरे चपल ही होते हैं, भोरे के समान ही होते हैं, ऐसे जो कहा श्री कृष्ण मुस्करा रहे हैं, बोले हाँ अरे ललता बाद में नाम असे राग्य, तुझे कोई जीत सकता है क्या, तू तो जितने भी वाग्मी माने बोलने वाले चतुर लोग हैं उनकी तू तो रानी है, तू तो सारी वाग्मी माने बोलने में चतुर व्यक्तियों की वाक्कुशल व्यक्तियों की तू तो स्वामी है रानी है। श्री ललता जी कह रही है अरे सखी विशाखा जी के कान में आकर के अपवाद, विशाखा के कान में आकर के कह रही है बोले अरे सखी निशंकेन बचना टोपेन अपराधम एव एनम तर्के आमी, मैंने पहचान लिया एक बात की जांच हो गई। बोले क्या, यहां कान में पास में आ बताती हूं, ऐसा कहकर के श्री विशाखा को पास में बुला करके कान में कह रही है कि श्याम सुंदर निशंक होकर के जैसे जोर जोर से बोलते हैं, जो व्यक्ति जोर जोर से बोलता है इसका मतलब है अपनी कमी को छुपाने का प्रयत्न कर रहा है, उसके पास में कोई तर्क है नहीं, तो निशंक होकर के वचन का जो आटो जल्दी से बोल बोल करके जो प्रभाव डालना चाहते हैं इसका मतलब है इनके पास में कोई तर्क नहीं है, बस बड़ा धोता बड़ा पोथा मस्त के पगड़ा बड़ा और अक्षरम नहीं जाना थी और घटा तो फिर पूछ थे पंडित जी आए बड़े भारी विद्वान आए भारी घटा माथे को उठा पगड़ा बड़ा सारी धोती और बड़ा सारा पोठा और बड़ी लंबी चौड़ी दुपट्टा डाल करके चले आ रहे हैं, हाथ में बैत दे करके अरे देख शक्ल दे करके लगे जान कितने भी कितने बड़े पंडित हैं, और आता है एक अक्षर नहीं तो बड़ा धोता बड़ा पोथा और मस्त के पगड़ा बड़ा और अक्षर नहीं जाना थी केवल घटा टोपे पूछे थे,
इनकी भी यही दशा है, जो ज्यादा बोल रहे हैं और घटाकोप कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, बस ज्यादा बोल करके अपना प्रभाव दिखा देना चाहते हैं। सखी पहचान गई, पहचान गई, ये अपराधी। इन्होंने हमारी सखी श्री राधिका के साथ में छल किया है, उनको संकेत दे करके ये नहीं आए हैं और अब दृष्ट नायक बन करके अपनी कमी को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा मैं समझ रही हूं। क्योंकि बाम्या पंत श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं कि बाम्या भवेन्द्र बेरति ही नव यौवनानां वाम भवाम इति जनश्रुति अव्यलीका चाटून कर्तुमुचितानि विमुच्य खिन्नं माम प्रत्युताद्य यदमुहु अपरं जयन्ति। के प्रिया इस समय मान धारण करके विराजमान है और मान को दूर करने के लिए शास्त्र में चार उपाय बताए गए हैं, पांच उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है साम समझाना, दूसरा उपाय है दाम, माने प्रिय की प्रिय वस्तु को कहीं प्यारी को भेंट करना, माला दे रहे हैं, कोई आभूषण दे रहे हैं और भेंट दे करके प्रिया को मनाना, साम दाम। फिर भेद, भेद का तात्पर्य है चंडी ललता जो कि आग को बढ़ाती है, क्रोध को, उनको किसी तरह से दूर कर दिया जाए। तो भेद, सखियों से प्यारी को अलग कर दिया जाए तो प्यारी का मान शांत हो जाएगा। और चौथा जो उपाय है वो उपाय है प्रणाम। ये चार उपाय नहीं चले तो फिर एक उपाय और है, वो है क्रोध करना या प्रतिमान धारण करना, मान के वियोग में विपरीत मान धारण करना। श्याम सुंदर उस पांचवें उपाय को अच्छा नहीं मानते, कभी आया भी नहीं अच्छा, उसको अच्छा माना भी नहीं गया है। श्याम सुंदर उसी का विचार कर रहे हैं कि बाम्या भवेन्न विरति ही नव यौवन आनाम, के बाम्य धारण करने से नव यौवन धारण करने वाली ये श्री प्रियागण कभी भी मान से विरति धारण नहीं करती है। यदि मैं मान धारण करूंगा तो बामता धारण करने पर इन नव यौवन यौवना प्रियाओं की मान से विरति नहीं होगी। तो बाम्या भवेन्न विरति नव यौवन आनाम बाम भ्रमाम, इनकी भोई तो टेढ़ी ही रहेगी। जनश्रुति अव्यलीका, ये जगत में जो प्रसिद्धि है कि बाम्य धारण करने से बामाओं को नहीं मनाया जा सकता है, ये जनश्रुति अव्यलीका माने सत्य ही है कि क्रोध करने से माननीय गणों का मान शांत नहीं होता है। ये जनश्रुति जो कही गई वो अव्यलीक माने सत्य है, इसलिए चाटून कर्तुम उचितानि, अब तो चाटुकारिता करना ही मान को दूर करने के लिए चाटुकारिता करना ही उचित है। अर्थात साम दाम भेद और प्रवृत्ति प्राण, इन चार उपायों को अपनाना ही उचित होगा। प्रतिमान धारण करना या क्रोध करना उचित नहीं होगा। इसलिए विमुच्य खिन्नम, यदि ये इस समय विमुच्य खिन्नम इस समय खेल त्याग करना ही मेरे लिए उचित है। विमुच्य खिन्नम, अब खेल को मैं त्याग कर देता हूं, और क्योंकि यदि मैं खेल त्याग नहीं करता हूं और मान धारण करता हूं तो माम प्रत्युत अद्य यदमुहु अपरं जयन्ति, क्योंकि तर्क करने पर अमु माने ये माम प्रत्युत माने उल्टे, यदि मैं कोई तर्क प्रदान करूंगा तो ये अपरं जयन्ति, ये लोग मुझे तर्क में भी पराजित कर देंगे। यदि मैं क्रोध धारण करूंगा तो इनका क्रोध भी बढ़ जाएगा, ये भी क्रोध प्रकट करने लगेंगी, या तर्क दूंगा तो इनका भी क्रोध, ये भी उल्टे और तर्क देने लगेंगे। तो चाकू निकटता नहीं, इस समय प्रिया के साथ में चाटकारता करना ही सर्वथा उचित है। विमुच्य खिन्नम, अब मैं दुख को त्याग करके, खेद को त्याग करके
माम प्रत्युत अद्य, यदि मैं कोई तर्क देता हूं तो माम माने मुझे, ये अद्य माने इस समय, अमुह माने ये सुंदरियां, अपरम जयंती मुझे और ज्यादा जीत लेंगी। इसलिए इनके सामने न तो तर्क देने से काम चलेगा, न इनके सामने क्रोध करने से काम चलेगा। क्रोध करने पर इनका दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये और ज्यादा क्रोध करने लगेंगे, और तर्क देने पर इनके तर्कों के सामने, इनकी बुद्धि के सामने इतनी ये प्रत्युत्पन्न मती है कि इनकी बुद्धि के सामने मेरे तर्कों को तो ये छार छार करके फेंक देगी, तर्कों को काट करके फेंक देगी। इसलिए न तो बहाना चलेगा, न क्रोध चलेगा। अब तो बस एकमात्र उपाय रह गया है कि मैं प्रिया के चरणों की वंदना करूं। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण मंत्र विचार कर रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं कि अली सखी सत्यम उजागर खिन्न कृष्णा, श्री कृष्ण जागरण करने से खिन्न हो गए हैं, तब प्रसीद। अब अली सखी राधिका तू इनके ऊपर क्रोध कर, जरा क्रोध दिखा मत, अब इनके ऊपर दया कर, दया कर। श्री राधिका के पास में आके समझा रही हैं कि अली सखी अब क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। श्री लालता राधिका उस समय श्री कृष्ण को देख करके कह रही हैं कि श्याम सुंदर मुग्धानाम वंचन कला विदग्ध होती, विदग्ध होती, जो भोली भाली गोपी है मुग्धगण उनको ठगने की कला में तुम बड़े विदग्ध हो। श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं कि प्रिय फुल केसर कलापेन अमुना धम्मिल श्री तव अलंक्रियताम, देखो मैं नए केसर कलाप लाया हूं, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो इन केसर की सुंदर जो किंजल कहें, इन किंजल को मैं आपकी बेनी में सजा दूं। आप मुझे अनुमति प्रदान करें, मैं इन केसर को जो लाया हूं इनके आपके मस्तक के ऊपर लगा दूं। बंध्यता मां बिंदतु मम प्रयास, आहाय इनको तोड़ करके लाया हूं, मेरा जो प्रयास है वो बंध्यता मां बिंदतु, बंध्यता माने निष्फलता, वो निष्फलता को प्राप्त न करे, अर्थात मेरा प्रयत्न सफल हो। ऐसा कहकर के पुटकाम उद्घाट्य अपने रुमाल दुपट्टे में पटका में जो बांध रखा था, पटका की गांठ को खोल करके वो केशर जो है वो श्री प्रिया जी को समर्पित करती हैं। कृप्रिय पश्य अमूनी सुगंधी नाम अग्रेसराणी केसराणी, ये सुगंधी वस्तुओं में अग्रेसर केशर विराजमान।